लखनऊ से एक और बड़ी खबर मिल रही है, सिपाही पेपर लीक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। मास्टरमाइंड रवि अत्री गिरफ्तार हो गया है, गौतम बुद्ध नगर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। गौतम बुद्ध नगर के खुर्जा से गिरफ्तारी की गई, तो सिपाही पेपर लीक मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी है। मास्टरमाइंड रवि अत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल अग्रवंशी लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, रवि अत्रा जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है? बिल्कुल, रवि अत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और खुर्जा बस स्टेशन के पास जेवर थाना पड़ता है गौतम बुद्ध नगर इलाके में, वहीं से 6:30 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट कराने में रवि अत्री की बड़ी भूमिका थी। बताया जा रहा है कि रवि अत्री ने पूछताछ में ये भी बताया है कि उसने जो है बाकायदा अंकित मिश्रा जो इससे पहले जो मामले में लेकर जो उससे दोस्ती की और उसने बताया कैसे पेपर आउट कराना है और इसके एवज में जो पैसे का जो लेन देन था वो कराया उसने। इसके साथ साथ पेपर लीक कराने में उसकी एक बड़ी भूमिका थी, मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। और फिलहाल अब इस पूरे मामले में राजीव नयन की गिरफ्तारी के बाद रवि अत्री जो है वो भी गिरफ्तार किया गया है और रवि अत्री ने ही अभिषेक शुक्ला के सामने राजीव नयन से जो है से बातचीत कराई थी, उसे फोन पर जो है बॉक्स की फोटो भेजी थी। इसके बाद तमाम जो जानकारियां हैं वो भी साझा की थी। तो फिलहाल रवि अत्री को यूपीएससी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। विशाल, और इसकी भूमिका के बारे में क्या पता चल पाया है? क्या और जो पेपर लीक हुए हैं क्या उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है? देखिए, क्योंकि अभी राजीव नयन की गिरफ्तारी के बाद रवि अत्री के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद रवि अत्री को जो है गौतम बुद्ध नगर से गिरफ्तार किया गया है। ये बताया जा रहा है कि पूरे मामले में इससे पहले भी जो है उसकी कई मामलों में बकायदा जो है कह रहा है कि बिहार में रहने वाला है और ये कह सकते हैं कि उसने अहमदाबाद से विक्रम पहल उस हवलदार को पेपर भेजा था और करीब 20 अभ्यर्थी को उसने पेपर पढ़ाया भी था। इन्हीं सब चीजों को लेकर फिलहाल जो है अब और पूछताछ होगी। ये भी कहा जा रहा है कि इसके साथ पुराने जो पेपर लीक मामले में और भी जो मामले रहे हैं उसमें भी रवि अत्री का क्या कुछ रोल रहा है, इसके बारे में पता लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बिल्कुल विशाल, और ये सरकार की मंशा पहले ही साफ हो चुकी थी कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो उसे ढूंढ निकाला जाएगा, किसी भी कीमत पर वो गिरफ्तार होगा। और ये इस वक्त तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी गिरफ्तारी इस मामले में। देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो है इस पूरे मामले में बड़ी गिरफ्तारी है और इस पूरे मामले में ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा पेपर लीक मामला था इसमें अब तह तक जो है एसटीएफ जाने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में रवि अत्री को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें ये कह सकते हैं कि ये बकायदा कई दिनों से लगातार संपर्क में था। इसके साथ साथ इसने अलग अलग राज्यों में, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, ग्वालियर हो, तमाम जगहों पर जो है इसने अपना रैकेट पूरा फरा रखा था और एसटीएफ नोएडा की टीम ने इसको जो है फिलहाल गिरफ्तार किया है। और रवि अत्री के उन्होंने ये भी बताया है कि अंकित ने रवि अत्री को बताया था कि वो टीसीआई जो यू डॉट ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसमें काम करता है और इसी के बाद ही उसने ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो अंकित है उससे बातचीत की और उसने ये बताया कि सिपाही पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड रवि अत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल अग्रवंशी इस जानकारी के लिए।